नमस्कार दोस्तों, आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपके कानों के सुनने की शक्ति चली जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज कान के लिए। दोस्तों आज इस टॉपिक में हम बताएंगे कि कान बहना क्यों होता है। दोस्तों ज़्यादातर ये समस्याएं छोटे बच्चों की होती है, लेकिन कभी कभी ये बढ़ते उम्र के साथ समस्या बढ़ती चली जाती है दोस्तों। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारे कान के पर्दे में सुराख हो जाता है और हमें सुनाई बिल्कुल नहीं पड़ता। दोस्तों ये समस्याएं क्यों होती हैं, इसके कारण क्या हैं दोस्तों, और इसके कुछ घरेलू इलाज बताएंगे जिससे आपको इससे कान बहने से पूर्णतः आराम मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं ए टू जेड हेल्थ ज्ञान, आपका अपना दोस्त प्रवीण वाजपेयी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाएँ दोस्तों और ऑल पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इस तरह के कॉन्टेंट देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए अभी से इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किन कारणों से हमारा कान बहता है दोस्तों, ये सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों कान में एक बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, हमारे कान में एक पर्दा होता है, बहुत हल्की सी झिल्ली होती दोस्तों, जिसे हम पर्दा कहते हैं। दोस्तों हल्के सी भी उसको अगर ज़रा सा भी नुकसान पहुंचता है तो उसमें एक सुराख हो जाता है। दोस्तों कान बहने के मुख्यतः चार कारण होते हैं। दोस्तों नंबर एक कारण है ईयरबैग्स के कारण हमारा कान बहता है। दोस्तों ईयरबैग्स क्या होता है, दोस्तों हमारा शरीर प्राकृतिक तौर पे एक ऑयल बनाता है जिसे ईयरबैग्स कहते हैं। दोस्तों ये कान के थ्रू बाहर आने लगता है, जिसे हम कान बहने कहते हैं। दोस्तों ये हमारे कान की झिल्ली यानी पर्दे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमारे सुनने की शक्ति कमज़ोर होती है। दोस्तों नंबर दो मध्य कान संक्रमण। दोस्तों ये होता है जो अंदर हमारे कुछ बैक्टीरिया कुछ संक्रमण बन जाते हैं, जिनके कारण वहाँ पस पड़ जाता है या पानी आने लगता है। दोस्तों कभी कभी खून भी आ जाता है दोस्तों, जिसके कारण हमारी कान की झिल्ली कमज़ोर पड़ जाती है और ये बहने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। दोस्तों नंबर तीन, दोस्तों किसी चोट के कारण, यानी हम जो तीली डालते हैं कभी पिन डालते हैं जिसके कारण चोट लग जाती है, कभी किसी तेज़दार थप्पड़ पड़ जाए इसके कारण भी दोस्तों हमारे कान में डैमेज हो जाता है और कान बहने लगता है। दोस्तों नंबर चार को दोस्तों होता है बाहरी कान संक्रमण। दोस्तों गंदे पानी से या धूल गर्दा से जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण हमारे कान में संक्रमण हो जाता है और वही प्रक्रिया होती है हमारे कान बहने लगता है। दोस्तों ये मूलतः चार कारण होते हैं हमारे कान में संक्रमण के, जिससे बैक्टीरिया बनता है और हमारा कान बहता है। दोस्तों अब हम बताएंगे इसके कुछ निदान जो प्राकृतिक तौर पर जो आयुर्वेदिक हैं जो हमारे घरों पर उपलब्ध हैं। दोस्तों इनका इलाज करके आपको तत्काल प्रभाव से आराम मिलेगा, ये गारंटी है। दोस्तों नंबर एक हम बात करेंगे सेब के सिरके की। दोस्तों आप सोचेंगे सेब का सिरका, जी हाँ दोस्तों ये बहुत बड़ी औषधि है, कई चीज़ों में काम आती है, कान के बहने में बहुत रामबाण इलाज है। दोस्तों ये आप एक चम्मच सिरका ले लीजिए और एक चम्मच गर्म पानी, दोनों को मिक्स कर लीजिए और एक कॉटन में इसका प्रयोग करके लगा के अपने कान में लगा लीजिए। दोस्तों ये दोस्तों रात में आप कर लीजिए और इसे लेट जाइए, जिससे ये धीरे धीरे आपके कान में जाता रहेगा और बहने की प्रक्रिया, क्योंकि इसमें माइक्रोबियल गुण होता है, ये कान दर्द में कान बहने में बहुत लाभकारी है। दोस्तों नंबर दो नीम का तेल। दोस्तों एंटीवायरल एंटीफंगल और एंटी बैक्टीरियल होता है नीम कॉयल, ये हमारे कान के लिए जो संक्रमण है उसके लिए बहुत ही सॉलिड इलाज है। दो दो बूंद दिन में तीन बार इसका प्रयोग करिए, चार से पाँच दिन करेंगे आपको कान बहना, जैसा भी कान बहना है इसमें पूर्णतः आराम मिलेगा आपको। दोस्तों आगे बात करेंगे आपको नंबर तीन इलाज है दोस्तों भाप। दोस्तों पानी गर्म कर लीजिए एक भगोने में और एक कपड़ा या तौलिया से उसमें डुबो लीजिए और उस तौलियों को निचोड़ के अपने कान जिसमें बह रहा है उसको लगा लीजिए। दोस्तों उसकी भाप अंदर जाएगी। दोस्तों ये दो तीन बार दिन में करना है और दो चार दिन करना, भाप से दोस्तों हमारे बहुत आराम मिलता है। इसे अगर हल्की सी है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़े से लेंगे ज़्यादा लाभकारी होगा। दोस्तों नंबर चार औषधि आपको ये बता रहे हैं दोस्तों तुलसी की पत्ती का रस। दोस्तों ये हम आपको बार बार कहते हैं, अगर इसका प्रयोग रोज़ 10 पत्ती खाने में किया जाए तो हमें कोई रोग नहीं होगा, ये गारंटी देते हैं। दोस्तों अगर इसका प्रयोग 12 महीना अगर हम करते रहे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बहुत बढ़िया औषधि है। दोस्तों इसमें भी दोस्तों एंटीफंगल एंटीवायरल ऑयल है, ये बहुत लाभकारी है। तुलसी की पत्ती बहुत बढ़िया औषधि है। दोस्तों इसके रस को निकाल लीजिए दोस्तों कपड़े से, दोस्तों ये दो दो बूंद आप ड्राप के हिसाब से इसको कान में डालिए। दोस्तों
रात में, दोपहर में, सुबह, दोस्तों जिस हिसाब से आप डाल सकते हैं डालिए। या आपके कान दर्द को, कान बहने को दोस्तों, कान में जैसी भी समस्या हो तत्काल आराम करेगा दोस्तों। बहुत रामबाण इलाज है तुलसी की पत्ती दोस्तों। दोस्तों ये चारों इलाज आप कर लीजिए, सेब का सिरका है, नीम का तेल है और भाप नंबर 4 तुलसी की पत्ती का रस। दोस्तों ये चारों इलाज अगर आपके कान बह रहा है आप इसका इलाज करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा दोस्तों। ये समस्या जड़ से आपकी ख़त्म होगी, चाहे कितना भी पुराना कान बह रहा हो दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की दी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। दोस्तों तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। नमस्कार, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।